निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की। बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर एसडीपीओ पहुंचे थे। घटना की जानकारी जब निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को मिली तो तुरंत वो चुनाव कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से पूछा कि आप किसके आदेश पर यहां आए हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे। इसी दौरान पुलिस उनके कार्यालय पहुंच गई। उनकी जान को खतरा है। जिस दिन वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे उसी दिन उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। पूर्णिया सदर एसडीओपी पुष्कर कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना परमिशन की प्रचार गाड़ी सजाई जा रही है, जिसकी जांच करने आए थे। जांच की जा रही है कि इस गाड़ी का परमिशन है या नहीं। पप्पू यादव ने पत्रकारों को कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत कार्यवाही हो रही है। उनके कार्यालय के पास कार्यकर्ता प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे। इस गाड़ी समेत कुल 5 गाड़ियों की परमिशन के लिए आवेदन दिया गया था। ये गाड़ी कहीं रोड पर नहीं खड़ी थी, तभी पुलिस उनके कार्यालय पहुंच गई। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कितना नीचे गिरेगी सरकार, पूनिया के बेटे को और कितना परेशान करेगी, जनता जवाब देगी। बीजेपी जेडीयू की सरकार का हार का डर अच्छा लगा। मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस बल नहीं है। छापा मारने सैकड़ों पुलिस भेज दिया। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी बिना परमिशन की गाड़ियों का प्रचार के लिए पप्पू यादव के ऑफिस में सजाया जा रहा है। इसी के पड़ताल करने भारी संख्या में पुलिस लेकर एसडीपीओ पुष्कर कुमार पहुंचे थे। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं और पप्पू यादव पूर्णिया के ही रहने वाले हैं। पप्पू यादव के मैदान में डट जाने से आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती की परेशानियां बढ़ गई है। पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है। महादेव का गाड़ी जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन की लेके हुए थे। ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद यही तो कारनामे। और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के रवैये से जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इंपॉर्टेंट। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।